जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को पार्टी के एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई। लीडरशिप डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेटर के राजू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस वर्ग के उत्थान के साथ ही पार्टी के इन वर्गों के उचित भागीदारी मिले, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन वर्गों को आजादी से लेकर आगे बढ़ा रही है, इन्हें इनका हक दिलवा रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर इन वर्गों को साधने के लिए दौरे करने के साथ ही एलडीएम प्रोजेक्ट के तहत 59 सीटों को जीतने के लिए विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में के राजू के अलावा बैठक में एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोठिया, सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन सहित लोकसभा पर्यवेक्षक रहे। वो एलडी लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में हम हर एक एससी एसटी सीट जीतने के लिए हम स्ट्रेटजी बना, अच्छा तरफ काम चल रहे। अशोक गहलोत जी का प्रोग्राम्स के बारे में भी पब्लिक बहुत सेटिस्फाइड है। हमारा उम्मीद है हर एक सीट हम जीतेगा। 200 विधानसभा हैं राजस्थान के अंदर, उन सीट्स को किस तरीके से ज़्यादा मार्जिन से हम लोगों को जीतना है उसके ऊपर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। और उसके अंदर जो 59 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एससी एसटी की, ख़ास तौर पे उसके लिए भी चर्चा हुई कि उसके लिए एक क्या रूपरेखा बनाई जाए। जो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन जनवरी से यहाँ पर हम लोगों ने लागू किया है, उस पर काम चल रहा है और उसको आगे फर्दर किस तरीके से गांव स्तर के ऊपर